The point is, development is definitely an issue. This is what Hitler also said when he rose to power. But the point is, development for whom? Until and unless you involve every section of the society, it doesn't mean anything to every section of the society. Only one question to Modi ji: how many tickets did you give to Muslims in Gujarat? How many tickets BJP gave to the Muslims in Gujarat, which constitute about more than 10? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितने टिकट दिए? मेरी पार्टी में आज भी तहसील पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद सारे में मुसलमान मेरे यहाँ मेंबर है और जीत करके आए हैं। मैंने पूछा, अब मैं आपको पूछता हूँ, मैं आपको पूछता हूँ, गुजरात में किसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी, ओनली फोर टिकट। व्हाई? आई हैव ओनली आस्क्ड यू वन क्वेश्चन। क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका एरिथमेटिक बैठता नहीं है। आपको 17 से 4 क्यों जाना पड़ा भाई? ये नंबर आपका सही नहीं है, इट वॉज मच मोर। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, डोंट दी मुस्लिम्स लिव इन योर स्टेट? डोंट कांट दे रिप्रेजेंट इन द विधानसभा और इन द पार्लियामेंट? अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे, बैठेंगे मेरी असेंबली में, आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं, आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं। चारों कांग्रेस पार्टी के ना? इस पार्टी के हैं, मेरे राज्य के हैं भाई। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन। मेरे राज्य के हैं, कैसे एक्सक्लूजिव? आज अभी देखिए, आपको आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमान को टिकट, इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दे रहे हो, इसके आधार पर तय होगा क्या? यही ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध है। हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, वहां इंडियन मुस्लिम, वहां इंडियन मुस्लिम। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या? पर साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाए और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। ये दिग्गी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी, और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में, और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक, और इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है, ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो, तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा।